परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023 आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद, प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद, श्री भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा मुरादाबाद, जैन समाज एवं परिवार में महिलाओं की भूमिका, हरियाली तीज, मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य, परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी एवं परम पूज्य आरिका रत्न श्री विश्व यशमती माता जी। दिनांक रविवार 20 अगस्त 2023 दोपहर 1:45 पर। स्थान जैन धर्मशाला गंज मुरादाबाद। भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशाखार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में एक दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए सतीशत पुण्य का अर्जन। एक दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रुपए, 11 दिवसीय 11000 रुपए, 108 दिवसीय 111000 रुपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 9376571002 या 9376571003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001011777, IFSC कोड PUNB002120। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म में वो आनंद होना चाहिए और खास कर हमारा जैन धर्म जो कि सत्यसी मैत्री की बात बताता है। एक प्राणी नहीं, मनुष्य से मनुष्य की मित्रता नहीं, प्राणी मात्र से जो मित्रता की बात बताता हो, जो जन जन के कल्याण की बात बताता हो। कुंतुनाथ भगवान की स्तुति में स्वयंभू में कहा है कि अपने कुंतु आदि दो इंद्र जैसे जीवों पर भी रक्षा की, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव हर काम करता है लेकिन 1 घंटा 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी हर की। 2 घड़ी परमात्मा के लिए, 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आपकी, यानी 2 घड़ी के लिए परमात्मा का हो जाता है 23 घंटे घर का काम करता है लेकिन कम से कम 1 घंटे बैठकर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करता है। और इसके लिए इतनी सुंदर बात कही है रत्नकंड श्राव का चार में कि जिस समय श्रावक सामायिक में बैठता है, पांचों पापों का त्याग करके बैठता है, कसायों का त्याग करके बैठता है, संकल्प लेकर बैठता है
कि इतने समय के लिए मेरा आरंभ परिग्रह सब प्रकार के विकल्पों का त्याग है। इस समय संसार को नहीं स्वयं के उत्थान को दूंगा, परमात्मा के चरणों में इतनी देर एकाग्रता बनी रहेगी। लोग कहते हैं माता जी क्या करें, जाप करते समय हमें कुछ कुछ बातें याद आती हैं। हमने की वो बातें ही भरी है, कबाड़ खाना हो गया दिमाग तो तुम्हारा। आप कहोगे कैसे, आप देखिए आप कहते हो स्मृति पुण्य स्मृति, अरे वो तो चला गया बेचारा बाप, तो अपने जीवन तक हाय हाय करते हुए मर गया, धन 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 धन, और एक दिन हो गया बेचारे का निधन। समझ गया, जीवन भर पैसा कमा कमा कर मर गया, कुछ काम नहीं आया, और आखिरी दिन लोगों ने बड़ी बेइज्जती से बेचारे को बांध बांध कर निकाला ताकि लुढ़क के घर में नहीं आ जाए। और ये गद्दार लोगों ने जीवन भर सत्य नहीं सुनाया, मरने के बाद सुना रहे राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। मैंने कहा 2 घंटा पहले सुनाया होता जीते जी कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, तुम सुना मत देना, नहीं तो वो मरता भी जीता उठ जाएगा। क्यों मैं मर रहा हूँ क्या मतलब है, ध्यान रखना, आदमी सत्य सुनना ही नहीं चाहता है। जीवन भर असत्य में जीता है, असत्य सुनना चाहता है, और असत्य वाला कभी ज्यादा दिन सुख से नहीं रह पाता। आपने देखा होगा हमारी जीवन पूरा असत्य का क्या कहना चाहिए, खजाना बन गया। सुबह से शाम तक हम बोलते हैं तो असत्य, आपने देखा किसी को देख के बोलते बाबा चांद निकला है और अंदर में ज्वालामुखी फूट रहा होता। कोई आता है घर में तो क्या कहते, वाह भाग्य जाग गए आप आ गए, अंदर से पूछो क्या लगता है और आ गया। कभी कभी ऐसा भी लगता है माता जी की भक्ति में जाना हो पूजा में जाना और कोई आ जाए तो क्या करते हो, अब बैठना तो पड़ेगा, अंदर से लगता है कब चला जाए कब चला जाए। उसमें पाप बंद नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य अच्छा है कि हमें धर्म ध्यान में जाना था, धर्म ध्यान में ले जाओ। उससे भी इतना दिल रखो कि अभी तो हम भक्ति में जा रहे हैं, आपको चलना तो आप भी चलो ना। अरे कम से कम 50 में से 2-4 तो आ ही जाएंगे, बाकी नास्तिक लोग तो आएंगे नहीं, क्योंकि सब लोग नहीं आते हैं। ये पंचम काल का प्रमाण पत्र है कि पंचम काल में जब वनमाला से लक्ष्मण अलग होने लगे तो आपको पता है लक्ष्मण ने बहुत सारी शर्तें दी थी, मुझे हिंसा का पाप लगे, मुझे झूठ का पाप लगे, मुझे रात्रि भोजन का पाप लगे, वो सब चीज में मना करती रही कि नहीं क्या पता आप आओगे कि नहीं। लेकिन लक्ष्मण ने अंत में कहा था कि यदि मैं तुझे समय पर लेने नहीं आऊं तो मैं पंचम काल का मनुष्य बन, आप समझ गए। तो उसने तुरंत मान लिया था कि ठीक है फिर आप आ जाओगे लेने। यानी पंचम काल में खुश मत हो ना, उसमें भी ये दुखमा काल है, दुखी है हर व्यक्ति, कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक सच पूछो माँ बाप ही तो हैं, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। लेकिन ध्यान रखना वो माँ बाप तो हमारे कर्म के साथी हैं, लेकिन सच्चे पिता तो हमारे परम पिता तो अरिहंत गए। जो माँ जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जिन वाणी जगमात है अमर करे दे क्या कहते हैं। लेकिन आज जिन वाणी की हालत क्या कर दी, जिन वाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधा, मुझे छोड़कर तुम ऐसे लोगों के हाथ में चले गए जो कि आज जिन्हें 10 मिनट भी नहीं मिलता है। कुछ लोग तो पूजा के नाम पर सोचो 24 घंटे आप लोग और कुछ कुछ काम करते हैं,
पूजा की कहो, बोले माता जी पूजा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बोले समय नहीं मिलता है। मैंने कहा अभी समय लाओ तो नियम से स्वर्ग जाओगे, क्योंकि देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वाणम काम दुही काम दागिनी परिचिनिया दादृतो नित्य। वो देव पूजा कैसी है? कहते हैं कि देवादि देव चरणे, कोई छोटे मोटे देव की पूजा नहीं है, देवादि देव चरणे, देवादि देव के चरणों की अर्चना, परिचरणम सर्व दुख निर्वाणम, और उनकी परिचर्या। हम पूजा का मतलब सिर्फ समझ लेते हैं कि एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में कर दो, पूजा हो गई। और स्याही शोक का रबड़ का काम करता है कि हमने तो पूजा कर ली, अब तो मेरे पाप ने पट गया। ध्यान रखना इतने से नहीं, परिचरणम सर्व दुख निर्वाणम। यदि जिनवाणी फटी है, कोई मंदिर में कहीं आप समझ गए धूल जम रही है, कुछ हो रहा है, शास्त्र अच्छे से नहीं लगे, वो सब भी जिनवाणी की सेवा है, वो भी जिनेन्द्र देव की वाणी की आराधना है, वो सब व्यवस्थित करके जाओ। देवादि देव चरणे काम दुही काम दाहिनी परिचिनिया दादित्व नितम। कहते हैं काम धेनु और कल्प वृक्ष तो मांगने पर देते हैं, ये तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। हम भगवान से ये सब नहीं मांगते, मांगना भी नहीं, क्योंकि वरना वो हालत हो जाएगी। एक बेटा अपनी माँ से बोला, माँ राजा कितना अच्छा अपन को खाना देता है, अपन को रहने को मकान दिया हुआ है, बीमार हो जाता हूँ तो दवाई कराता है। उसकी माँ बोली, बेटा राजा अच्छा नहीं है, तुम्हारे पिताजी की बहुत दौलत थी, तुम छोटे थे तब तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए थे, और यहाँ का नियम ये है कि जब तक बच्चा योग्य नहीं हो जाए तब तक उसकी परीक्षा भी होती है, और तब उसे बालिग होने पर उसे धन दे दिया जाता है। बेटा अपनी बहुत संपत्ति है, राजा तो हमें सिर्फ खाना का खर्चा देता है, 200-400 रुपये महीने देता है, तुम्हारे पिताजी के पास तो इतनी दौलत थी, 100 मकान थे, बड़ा कारोबार था, सोना चांदी बहुत था, सब कुछ राजा ने जब्त कर लिया, जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तब राजा तुम्हें दे देगा। माँ को डर लग रहा था बच्चा कहीं भूल ना जाए, कुछ गलत ना बता दे, तो माँ बोली, बेटा राजा ऐसे पूछे तो ऐसे करना, पूछे तुम कितने बड़े हो गए, तुम क्या व्यापार करोगे, तो बोल देना पिताजी का व्यापार करूँगा, फिर पूछे तुम इतनी दौलत कैसे संभालोगे, तुम्हें क्या पता तुम्हारी है कि नहीं, तो बता देना कि नहीं हमें माँ ने बताया था दौलत हमारी, हम तो लेके जाएंगे, और कुछ करे तो बेटा अपने ध्यान रखना, और कुछ पूछे तो सही सही जवाब देना। बेटा बोला, माँ आपने जितने प्रश्न बताए हैं उसमें से एक भी नहीं पूछे तो? तो माँ बोली, बेटा तेरा दिमाग कितना चलने लगा, अब तू जरूर सफल होकर आएगा। राजा के यहाँ गया तो राजा ने बोला कि क्या प्रमाण पत्र तुम बड़े हो गए? उसने कहा, आप पूछो तो बता दूंगा। कहने लगा, मैं तो अपना धन लेने आया हूँ, मेरा धन दे दो, मुझे तुम्हारी ये बख्शीश नहीं चाहिए। राजा ने कहा, ज्यादा मुंह चलाता है, बख्शीश नहीं चाहिए, मेरे बख्शीश पे इतना बड़ा हुआ है। वो कहने लगा, इतना बड़ा हो गया, अब और बड़ा होना है, मेरी संपत्ति मुझे दे दो। तो राजा ने कहा, संपत्ति मांगने आए? राजा ने लिया और दोनों, वो कह रहा था मेरी संपत्ति मुझे दे दो, राजा ने दोनों हाथ उसके पकड़ लिए, बोले बताओ कैसे मांगेगा। वो तो हंसने लगा, कहने लगा, राजा अब तो संपत्ति मांगने की जरूरत ही नहीं है। बोला क्यों? कहने लगे, जब विवाह में वर वधू का एक हाथ लेता है तो उसकी पूरी संपत्ति उसकी हो जाती है, एक हाथ ही लेता है तो वो डॉक्टर हो तो वो डॉक्टर नहीं हो जाती है, वो मास्टर हो तो मास्टर नहीं हो जाती है, वो सेठानी हो जाती है, वो कमा कमा के मरता वो सेठानी फ्री में हो जाती है। और राजा जी आपने तो मेरे दोनों हाथ ले लिए, अब तो आपकी सारी संपत्ति भी हमारी हो गई है, छोटी मोटी मांग के क्या करें। राजा ने देखा ये तो खतरनाक सौदा है। राजा बोला, भाई तू अपनी संपत्ति सारी ले जा,
बोला लेके कहाँ जाऊंगा, यहीं व्यापार करूंगा, लेके कोई दूसरे गांव थोड़ी जाऊंगा। और राजा जी मैं इतना बड़ा व्यापार करूंगा कि एक दिन आपको भी मुझसे कर्जा लेना पड़ेगा। राजा ने उसे मंत्री के पद पर रख लिया। किसी अभी बालक में भी इतना विकास है इसकी बुद्धि का कि कहता है राजा जी दौलत लेके कहाँ जाऊंगा, इसको बढ़ाऊंगा। और राजा ने उसे महामंत्री का पद दे दिया। आप भी ध्यान रखना, भगवान से छोटी मोटी चीजें क्या मांगना, ये बीमारी ठीक कर दो, बच्चे दे दो, अरे बच्चे तो पुण्य का उदय हुआ, पुण्य का उदय हुआ तो तुम्हारे बच्चे काम आएंगे, वरना बच्चे भी काम कहाँ आते हैं। जिनके सजदे में तुम रात रात जागते हो वो तुम्हें सदमे में जगाते हैं। जिनको बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गालियां सिखाते हैं, गालियां बताते हैं, ताने देते हैं। तो वास्तव में इन बच्चों के लिए ज्यादा पागल होके मत जीना। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों का ख्याल मत रखो, रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्हें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दो। उन्हें सिर्फ इंसान मत बनाओ, उन्हें परमात्मा बनाने के संस्कार दो। उन्हें कहो कि बेटा कम से कम नमोकार मंत्र का अर्थ सिखाओ ने कि वो परमात्मा है जिन्होंने सारी दुश्मनी संसार में, जितनी फसाद की जड़ गए संसार में, जितने झगड़े की जड़ गए, या तो क्रोध से झगड़ा होता है, या मान से झगड़ा होता है, या मायाचारी से होता है। आपने सप्तगोसादी के बारे में पढ़ा होगा कि वो विप्र रत्न रख गया था, उसकी नियत बदल गई और आखिरी में क्या हुआ, कोड़े भी खाए, गोबर भी खाया और मर भी गया और सांप हुआ, क्योंकि उसने सांप होकर भी आग में जलना स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा का जहर नहीं उतारा।